दोस्तों, स्मार्टफोन तो हम सभी यूज करते हैं और अपनी बैंकिंग डिटेल जो है ना वो स्मार्टफोन में भी सेव करते हैं, फिर चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, यूपीआई सर्विस हो। और ऐसे में जब हम अपनी बैंकिंग डिटेल फ़ोन में सेव करके रखते हैं तो हैकर्स की नज़र हमारे फ़ोन पर लगी रहती है और हैकर्स नए नए तरीके अपनाते रहते हैं हमारे फ़ोन को हैक करने के, हमारी बैंकिंग डिटेल चुराने के, और यहाँ पर हमारे जो बैंक में पैसे निकालने के लिए, हमारे साथ धोखाधड़ी करने के लिए तरह तरह के तरीके यहाँ पर हैकर्स अपनाते रहते हैं। तो यहाँ पर हैकर्स ने इस समय एक और बिल्कुल नया तरीका अपनाया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जहां पर एक महिला के 2 लाख से भी ज्यादा रुपए उसके उड़ा दिए गए हैं और उसको पता भी नहीं पड़ा कि कब उसके पैसे उड़ गए। क्योंकि जब हमारे फ़ोन से यानी कि अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आता है जिसमें कितने पैसे हमारे अकाउंट से निकाले गए हैं, तो वो मैसेज देखकर हम पता करते रहते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि आपके साथ कोई हैकर कहीं से पैसे निकालता भी है तो वो मैसेज आपके पास आता ही आता है और आपको पता पड़ जाता है कि किसी ने हमारे अकाउंट से पैसे निकाले हैं, तो आप उसको जल्दी से ब्लॉक करा देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपके पास मैसेज ही ना आए कि कितने पैसे कब कहां किसने निकाले हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको तो पता ही नहीं पड़ेगा कि कब कितने पैसे किसने निकाल लिए या फिर आपका अकाउंट किसने खाली कर दिया, पता ही नहीं पड़ेगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आप वीडियो अधूरा छोड़ देते हैं और ऐसे में पूरी जानकारी आपके पास नहीं होती है। क्योंकि जब जब हैकर्स नए नए तरीके लाते रहते हैं, मैं उनका वीडियो यहाँ पर बनाता रहता हूँ ताकि आप उन सभी चीज़ों से अपडेट रहें और आपके पास जब पूरी जानकारी रहेगी तो आपका भी पैसा यहाँ पर बैंक में सुरक्षित रहेगा और किसी भी हैकर के चक्कर में आप नहीं आएंगे। तो यहाँ पर खबर जो निकल के आ रही है वो है पुणे की महिला एक है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है यानी कि सीए है, तो वो एक 3G जो है ना नंबर यूज कर रही थी, तो एक व्यक्ति का फोन उसके पास आया और उसने अपने आप को टेलीकॉम कंपनी का जो है ना कर्मचारी बताया। तो उसने उस महिला से कहा कि आप अपनी सिम जो है ना वो 4G में पोर्ट करा लीजिए, नहीं तो आपकी जो 3G सिम है वो बंद कर दी जाएगी। ऐसे में महिला उनकी बात मान गई और जितने भी इंस्ट्रक्शंस उस आदमी द्वारा दिए गए फोन पर उसने उन सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। 20 अंकों का एक डिजिट जो है ना नंबर दिया, उस पर जब उस महिला ने क्लिक किया तो वो है ना उसका नंबर ब्लॉक हो गया जो नंबर वो यूज कर रही थी। अब उसका नंबर जो है ना वो अकाउंट से पहले ही जुड़ा हुआ था बैंक अकाउंट से, तो उसका नंबर जो वो ब्लॉक हो गया और उसका जो क्लोन नंबर है वो उस हैकर ने चालू कर लिया। अब उस नंबर की सहायता से उस हैकर ने जो डिटेल है बैंक की वो एक्सेस कर ली और नंबर तो यहाँ से ब्लॉक हो ही गया इस महिला का, उसके बाद जो नंबर उसके पास चालू हो गया। अब उस आदमी ने UPI सर्विस सब कुछ बना बनो के उसके महिला के अकाउंट से 2 लाख से ज़्यादा रुपए उड़ा लिए। अब ऐसे में महिला को पता भी नहीं पड़ा कि हमारे अकाउंट से कब किसने रुपए निकाल लिए, हालांकि उसकी सिम तो ब्लॉक हो ही चुकी थी। जब कुछ दिन बाद उसने सिम को ठीक कराया, ऐसे वैसे पता किया, तो जब उसको पता पड़ा कि हमारे अकाउंट से इतने रुपए निकल चुके हैं, तब उसको एहसास हुआ कि गलती हमसे कहाँ हुई। तो आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहिए और हमारे संपर्क में बने रहिए क्योंकि हैकर्स जितने भी नए तरीके लाते हैं उनका सब मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो आप जब इन चीज़ों से जानकारी रहेगी आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में अब सावधानी यहाँ पर बरतने वाली ये बात है कि जब भी आप किसी भी कंपनी का फ़ोन आए, फिर चाहे वो बैंकिंग की तरफ से आए, बैंक कभी भी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी फ़ोन नहीं करती है, अगर आपकी सिम ब्लॉक होने वाली है मान लीजिए बाय द वे, तो कंपनी ब्लॉक कर देगी, कोई भी कर्मचारी आपको फ़ोन नहीं करता है। तो ये चीज़ याद रखिए, जब भी आपको सिम पोर्ट वगैरह कराना है, कुछ भी कराना है, तो आप उसके ऑफिशियल स्टोर पे चले जाइए, किसी भी अजनबी इंसान को अपनी पर्सनल डिटेल बिल्कुल भी मत दीजिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि मैं इस तरह से टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।